Hello, good morning, India. फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं रामवीर स्वागत करता हूँ इंडिया के नंबर वन स्टडी लर्निंग चैनल वाईफाई स्टडी में। भैया थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, मामला थोड़ा ऐसा ही है, थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए थोड़ा क्लास को हम उस हिसाब से ले रहे हैं। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना जरा। तो हमने आज जो क्वेश्चन लिया है लाइन के क्वेश्चंस लिए हैं ना, और लाइन के क्वेश्चन के बारे में फिर मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्शन के बारे में आज बताऊंगा ना, उसके बाद में फिर हम कंटिन्यू अगली क्लास में आगे की शायद बात करेंगे ठीक है। अच्छा, बाइनरी वो मेरे, हाँ वो अभी सब सारे बच्चे बाइनरी में ऐसे, एक्चुअली क्या है कि रात में 2 बजे तो ट्रेन से उतरे है ना, और ट्रेन से उतरने के बाद में मतलब 2 बजे चढ़े ट्रेन में चढ़े, फिर 5, 5:30 बजे 6 बजे उतरे, उतरने के बाद माइंड इतना हैवी हो रहा था कि जो सही करते हैं वो भी क्या होता है, गलत हो जाता है कभी कभी है ना। सही कर रहे हैं तीन चार बार लेकिन फिर वो बार बार क्या कर रहे हैं, अपन गलत करते चले जा रहे हैं उस पर ही है ना। तो हावी थोड़ा इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हो, अब ध्यान से समझना मेरी बात को थोड़ा, कि आप जो हम बात करने वाले हैं वो किसके ऊपर करने वाले, लाइन पर करने वाले, थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, थोड़ा लाइन के ऊपर बात करें। लाइन पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आपको सिर्फ क्या करना है, जवाब देना है ठीक है। तो आप सिर्फ मुझे क्या करेंगे, जवाब देंगे। जैसे अपने सामने ये क्वेश्चन है ना, इस टाइप का ही क्वेश्चन आने वाला है, कोई बहुत बड़ा ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है जिसमें आपको परेशान होने की जरूरत पड़े है ना। तो जैसे आपके सामने एक इस तरीके का कुछ है, मतलब कोई भी आपको एक व्यू ला करके रख दिया जाएगा। मैं आपसे पहले नंबर पर क्वेश्चन ये क्रिएट करना चाहता हूँ कि जैसे आपके सामने ये आपका दिखाई दे रहा है ना, बस आपको मेरे को लाइन का नाम बताना है ना। मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा चार है ना, चार ऑप्शन में से किसी एक का नाम बताना है आपको। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ हल्का सा है ना, वो क्वेश्चन को थोड़ा इसको थोड़ा हल्का सा बड़ा कर लूँ ना। अब आपको देख करके ये बताना है कि भाई इसमें इस लाइन को क्या कहेंगे है ना। तो मैं देखो अब इसको यहाँ ले रहा हूँ, आपको ऑप्शन बताना है। देखो मैं इस वाली लाइन को ले रहा हूँ, इस वाली लाइन को ठीक है, इस वाली लाइन को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ठीक है, इस वाली लाइन को ले रहा हूँ। दोबारा से मैं आपको बता दूँ, मैं इस लाइन को ले रहा हूँ ठीक है, मैं इसके पास एरो हेड बना देता हूँ है ना। एरो हेड बनाने के बाद मुझे यहाँ पर इस लाइन का नाम लिखना है ठीक है, इस लाइन का नाम लिखना है ना। तो ये मैंने कौन सी लाइन बनाई है, जो आप जानते होंगे ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है लीडर लाइन कहलाती है। कौन सी लाइन कहलाती है, लीडर लाइन। एक लाइन तो मैंने आपको यहाँ पर बताई दी ठीक है, इस तरीके से। अब आपको इस लाइन का नाम बताना जो लाइन आपकी यहाँ पर ये बनी हुई है। ये ऑप्शन मैं आपको यहाँ देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ ए ऑप्शन में आपका दे रहे हैं मैं आपको, ये ए वन लाइन है, इसके ऑप्शन में यहाँ देता हूँ है ना। पहला ऑप्शन जो आ रहा है पहला, क्या ये ए वन लाइन है, ए ऑप्शन ठीक है। बी ऑप्शन में क्या ये ए टू लाइन है, सी ऑप्शन में क्या ये बी वन लाइन है, डी ऑप्शन में ठीक है क्या ये आपकी के लाइन है, के फोर लाइन है। बताओ आपका आंसर क्या है, 2 मिनट का समय आपको लगा देते हैं हम यहाँ पर है ना, 2 मिनट का क्या ले रहे हैं, मतलब एक थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं हल्का सा है ना, टाइम ले रहे हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, अगली बार से इसका टाइम क्या रहेगा थोड़ा सा मन 20 सेकंड का टाइम ले रहा हूँ ना। हाँ स्टार्ट कर दिया मैंने, थोड़ा सा बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताओ भाई इस वाली लाइन को क्या कहेंगे, इस वाली जो लाइन है इसको क्या कहेंगे, जल्दी देख के बताओ। जल्दी बताओ, शाबाश शाबाश, टाइम हो गया है ठीक है। इसको हम साइड में रख देते हैं, देखो इसको हम कहेंगे ए वन लाइन। कौन सी लाइन कहेंगे, ए वन लाइन ठीक है। तो
तो हमारा सीधा सीधा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है ए वन लाइन पर, तो हमारा आंसर क्या होगा ए वन। ठीक है, अब ध्यान समझना, अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा इसी ऑप्शन को क्या करने वाला हूँ, बदलने वाला हूँ, है ना। तो अब ध्यान समझना, अगर मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन को बदल दिया, क्वेश्चन बदलने के बाद में इसको इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया इस वाली लाइन पर, है ना। तो अब आपको ये बताना है, अंदर की साइड ये जो गोला बना रखा है ये, इसके ऑप्शन ए नंबर में आपका क्या है, ऑप्शन ए वन, ठीक है। बी में क्या है आपका, बी में है आपका ए टू, सी में आपका क्या है, सी में है आपका बी वन, है ना, और डी में आपका वही के फोर। अब आप क्या आंसर लगा करके आएंगे एग्जाम के अंदर, भाई अंदर का जो सर्किल है, सर्किल को हमने किस लाइन से शो करेंगे, ए वन से करेंगे, ए टू से करेंगे, बी वन से करेंगे, बी फोर के फोर से करेंगे, बताओ भाई आंसर, थोड़ा सोच समझ के बताओ हल्का सा। शाबाश, बहुत अच्छे, मैं टाइम था चालू नहीं किया, थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, 10 सेकंड तो मैं ही खा गया आपके, है ना, थोड़ा जल्दी देख के बता देना हल्का सा, आज थोड़ी सी थकावट है, थोड़ी थकते हैं मतलब हल्का सा, मैंने कल बोला भी था, मैंने कल यहाँ कहा भी था कि मैं कल क्लास नहीं ले पाऊँगा, मैं सक्षम नहीं हूँ थोड़ा सा, कल मैं बोल के गया था यहाँ से, लेकिन सभी ने क्या कहा, बोला यार सर परीक्षा का आने वाली है, ये है वो है, मैंने चलो मैंने बोला कोशिश करेंगे अपन पूरी आने की, है ना, आए, लेकिन वो मामला अपना बैठ नहीं पाया थोड़ा सा, थोड़ा देखो जरा आंसर क्या आएगा आपका, आपका आंसर क्या आएगा, सीधा सीधा आपका आंसर आएगा, सीधा सीधा आपका आंसर आएगा। देखो जब भी मैंने आपको बताया था बाहर का जब भी हम शो करेंगे वो ए वन आएगा, ठीक है, और अंदर भी अगर वैसा ही बना हुआ है तो उस भाग को हम किससे शो करेंगे, हम किससे शो करेंगे, बी नंबर यानी ए टू से करेंगे, किससे करेंगे ए टू, तो ये वाली हमारी जो लाइन है वो आंसर क्या आएगा, ए टू लाइन आएगी, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब आपसे मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बताइए ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है जो इसके क्या कर रही है, इसके केंद्र को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, इसके केंद्र को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी होगी, ठीक है, इस वाले केंद्र को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन, अब ये वाली लाइन आपकी केंद्र रेखा जो मतलब आपके जो केंद्र को जो रिप्रेजेंट कर रही है उस लाइन का नंबर क्या होगा, ठीक है। तो देखो भाई मैं इसका ऑप्शन दे रहा हूँ, ए नंबर पर आपका दिया है बी फोर, ठीक है, ए नंबर पे आपका दिया हुआ है, मैंने क्या दिया हुआ है बी फोर दिया हुआ है, ठीक है, अच्छा फिर दिया हुआ है बी सेवन, बी नंबर में आपका क्या दिया हुआ है बी सेवन दिया हुआ है, सी नंबर में आपका क्या दिया हुआ है, सी नंबर में आपको मैं देता हूँ आपका, ठीक है, जी वन देता है, जी वन, है ना, और फिर डी नंबर में आपको देता हूँ भाई K3, है ना, डी में आपको देता हूँ मैं आपको K3, उलझाने वाले सारे के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं मैंने आपको, है ना, अब आपको दिमाग से निकालना है कि भाई दिमाग से सोच समझ के निकालना है इसको, आंसर निकाल के बताना है, स्टार्ट कर दिया मैंने टाइम, थोड़ा सा समझ के बताना हल्का सा कि किस लाइन पर आप जाएंगे। आपको लाइन बराबर दिख रही होगी, मोटी है प्लस बीच में एक क्या है आपका डैश है, मोटी रहती है फिर डैश रहता है फिर मोटी रहती है, तो अब आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा तो आपका क्या आंसर आना चाहिए, उलझाने वाला थोड़ा सा मैंने ऑप्शन दिए हैं इसमें, देखो सोच समझ के जवाब देना आप। हाँ देखो सुनो मेरी बात, एक तो होती है केंद्र मतलब एक तो देखो समझना मेरी बात, यहाँ पर जो के थ्री देखा दिया हुआ है ना वो भी केंद्रक, वो क्या क्या वो कैसी केंद्रक रेखा कहलाती है, और ये वाली जो है वो कौन सी है सेंटर लाइन यानी केंद्र रेखा, जीवन क्या है केंद्र रेखा, केंद्र रेखा और केंद्रक रेखा दोनों चीज अलग अलग होती है, तो आपका आंसर यहाँ जो अभी जो आपका आंसर आने वाला है सीधा सीधा आप लोग सोच समझ के देख लो, ध्यान रखना आप इसको पढ़ते जाओ समझते जाओ, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा जीवन आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा जीवन आ जाएगा, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है, अब मैं अगले पॉइंट पर चल रहा हूँ, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं आएगा, मतलब जैसे
टफ आ जाए पार्ट, कोई ऐसा टफ पार्ट नहीं आने वाला। अच्छा देखो, चित्र आपके सामने मैंने यहाँ बना रखा है, इसीलिए बना रखा है ताकि आप लोग क्या ना करो, गड़बड़ ना करो, ठीक है। अच्छा अब ध्यान समझना मेरी बात को, मैं अगला पॉइंट जो लेने वाला हूँ वो क्या लेने वाले हैं हम, वो लेंगे अपन ये वाली जो लाइन आपकी शो हो रही है, ठीक है ठीक है, ये वाली लाइन मैं आपको दे रहा हूँ। कौन सी वाली? पहली बात तो देखो, इसके लंबाई चौड़ाई के अनुसार अगर हम देखें ना, तो ये थोड़ा पुर्जा जो है नीचे की साइड से उभरा हुआ ऊपर की साइड है ना, तो अगला पॉइंट पे हम चलते हैं। चलो ठीक है, ये वाली देते हैं अपन को लाइन को ना। ये वाली लाइन आप बता के बताओ कि भाई ये वाली लाइन कौन सी लाइन होगी। इस लाइन का जवाब आप यहाँ देंगे तो ए वन, मतलब ए ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ, मैं आपको ए वन दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ थोड़ा ऑप्शन ऐसी जगह लिखिए जो आपको दिखाएं मेरे, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है, चार ऑप्शन बना दिए। चार ऑप्शन में पहले नंबर पे आपका कौन सा आएगा भाई? आपको कौन सी वाली लाइन बतानी है? आपको ये वाली लाइन बतानी है, रेड कलर की जो लाइन आपकी इधर से यहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया, आपका ऑप्शन था, ठीक है, आपका ऑप्शन फिर दोबारा क्या है, बी फोर है, बी सेवन है, जी वन है और के थ्री है। अगर आपके सामने ये आ जाता है क्वेश्चन, है ना, अब आपके क्लियर हो जाएगा अपने यहाँ भी सारा सारा सिम है ना। तो अगर आपके पास ये तीन ऑप्शन आ जाते हैं तो अब आप बताइए क्या आंसर लगा करके आओगे, है ना। ये चार ऑप्शन जो आ गए हैं आपके सामने, इसमें आप निकाल के बताओ भाई क्या लगा करके आओगे। जो आपके सामने लाइन दिखाई दे रही है, इस पर लाइन को आप क्या कहोगे, है ना, जी वन लाइन कहोगे, है ना, या फिर के थ्री लाइन कहोगे, है ना, या फिर आपका यहाँ पर आपके क्या नाम है इसका, सॉरी मैं एक चीज़ और भूल गया थोड़ा सा, चलो ठीक है हो जाएगा इसमें ना। ठीक है बताओ भाई क्या आएगा आंसर, क्या लगाओगे आंसर इस वाली पे? देखो क्या होता है, यहाँ पर जो लाइन थी ये किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? केंद्र को कर रही थी, ठीक है, केंद्र, है ना। अब ध्यान सुनना, जब पुर्जा इस तरफ दाईं ओर और बाईं ओर जब एक जैसा होता है, जब कोई पुर्जा दाईं ओर बाईं ओर जब एक जैसा होता है, तो हम सीधे सीधे किस लाइन की तरफ चले जाते हैं? जैसे किसी चीज का क्या है, सेंट्रल बन रहा है, सेंट्रल बीच में, सेंट्रल यानी बॉडी का, देखो बॉडी का ये सेंटर है ना, सेंट्रल, तो सेंट्रल बन रहा होता है, तो हमारा सीधे सीधे आंसर किस पर चला जाता है? के थ्री पर चला जाता है। तो आंसर हमारा कहाँ चला जाए, मतलब दोनों तरफ क्या है हमारा, एक जैसा पोर्शन है, तो एक जैसा पोर्शन है तो हम कहाँ जाएंगे, के थ्री में। लाइन हूबहू मतलब मिलने में आपके इस तरीके से ही होगी, लेकिन हमारे किस पर चले जाएंगे, के। अगले पॉइंट पर चलते हैं हमारा। तो अगला पॉइंट हमारा ये है भाई, अगर मैं आपसे कहूँ ये वाली लाइन कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन है ना, तो आप इसको जरा सोच के और मेरे को बताना जरा ना, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, इन सब लाइनों को आप मेरे को देख के बताओ भाई। ए ऑप्शन के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ आपकी सबसे पहली वाली जो लाइन देने वाला है, बी फाइव देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? बी फाइव, है ना। अच्छा बी ऑप्शन के अंदर आपके देने वाले हैं ई वन देने वाले हैं, ई वन, ठीक है। अच्छा इसके बाद में यहाँ पर क्या देने वाले हैं, यहाँ पर देने वाले हैं आपका ई टू दे देते हैं आपको, ठीक है, कन्फ्यूज़न थोड़ा क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा इसके बाद में आपके फिर आपको मैं देता हूँ एफ वन, एफ वन, अब आप सोच के समझ के बताना एफ वन, अब आप इसमें किस आंसर को लगा करके आएंगे, ठीक है, जरा सोच के बताओ। क्वेश्चन आप टाइमर आपसे शुरू कर दिया, मैंने स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा मैंने उलझा दिया क्वेश्चन को, ध्यान रखना यहाँ पर, है ना। हाँ किस में लगाओगे अब आप? बोर्ड पर दिखाई दे रहा हो आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये क्या था, वन टू, वन हो गया था, टू हो गया था, थ्री फोर, फोर तो ये था, है ना कि नहीं,
और फोर के बाद में फाइव चल रहा था अपना क्वेश्चन। बताओ भाई क्या आएगा आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा है, इसको थोड़ा डिस्प्ले पर एक और बार लेकर के आना है ना, इसको सामने फ्रंट पर लेकर के आना एक और बार। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से, क्या ये लाइन मोटी है, क्या ये लाइन पतली है। सबसे पहले ये देखो, क्या ये लाइन मोटी है, क्या ये लाइन पतली है। अगर ये पतली होगी तो आपकी चली जाएगी एफ वन के अंदर, है ना कि नहीं, हिडन आउटलाइन के अंदर या हिडन एज के अंदर चली जाएगी, या एफ के अंदर चली जाएगी ना, तो किस में, एफ में चली जाएगी। और अगर ये मोटी लाइन है, अगर ये मोटी लाइन है और अदृश्य के अदृश्य दिखा अदृश्य किनारों के लिए, मतलब अदृश्य चीज़ों को ये दिखा रही है, तो आपको क्या सीधा सीधा किस पे चले जाना है भाई। एक तो ई वन आपका आंसर आता है, लेकिन ये बाहरी रेखाओं को, मतलब कोई चीज अंदर इंटरसेक्शन नहीं है ना, और आपका E2 जो है वो अदृश्य किनारों के रूप में, मतलब अंदर की जो भी चीजें, जो हमारी हिडन जितनी भी चीजें हैं, वो सारी सारी या तो E1 से रिप्रेजेंट होंगी या फिर E2 से रिप्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या आना चाहिए, तो सीधी सी बात है, यहां पर हम जाएंगे इस केस में E1 की तरफ। हमारे पास दो ऑप्शन दे दिए लगातार, E1 दे दिया और E2 दे दिया, तो E1 के लिए हम हमेशा जाएंगे हमारी हिडन आउटलाइन पर जाएंगे। किस पर जाएंगे, हिडन आउटलाइन। और एक होता है हिडन एज। एज का मतलब क्या होता है, अगर पीछे की साइड कोई चीज़ क्या हो रही है, मतलब नाइफ का आकार ले रही है, मतलब अंदर पीछे की साइड अगर कोई चीज़ हिडन तो है भाई, कोई पार्ट हिडन तो है, लेकिन वो अंदर की साइड क्या हो रहा है, चाकू नुमा इस तरीके से धार नुमा क्या हो रही है, आगे की साइड बन रही है, जीरो एज की तरफ जा रहा है वो, तो उस समय पर हम वहाँ पर कौन सी लेंगे, ई टू, मतलब एक तो हमारा क्या चला जाएगा, ई वन पे चला जाएगा, और जैसे हम अंदर एज पर जाएंगे तो हम ई टू पर चले जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा चित्र बना के बताता हूँ छोटा सा, उससे आप समझ में आ जाओगे, इसमें समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो आपका ये कोई औजार है, मतलब कोई उपकरण है, तो इसमें ये इस तरीके का है कॉलम, है ना, ये आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है, और मतलब ठीक है, ये इस तरीके का रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको पीछे का दृश्य दिखाने की कोशिश की है। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ से देख करके बताओ कि भाई ये क्या हो रहा है ना, इसकी लाइन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आप क्या करोगे, सामने वाला भाग बनाओगे, देखो दिख रहा है ना आपको, अगर मैं आपको यहाँ से ये पूरा सामने से इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये अंदर की तरफ जीरो एज की तरफ जा रहा है फिर ये, तो इस जगह अगर आप इसका हिडन भाग बनाओगे तो आप क्या करोगे, एक तो डॉटेड लाइन आपकी ये वाली आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, ये आपकी कौन सी आ जाएगी, E1 आ जाएगी, ठीक है, और जैसे ही आपका ये अंदर वाली लाइन आएगी, बीच वाली लाइन आएगी, तो ये कौन सी आ जाएगी आपके, E2 आ जाएगी, कौन सा आ जाएगा, मेरी दिख तो रहा है ना, देखो जब जैसे ही देखो बाहर की दोनों लाइनें कौन सी आएंगी, E1 आएंगी, E1 आएंगी, ध्यान समझना, E1 आएंगी, तो मेन जो किनारे होते हैं ना, मेन किनारे जो होते हैं ना, देखो ये वाला किनारा, ये वाला जो मेन किनारा है वो E1 रहेगा, वो E1 रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला किनारा ये भी E1 रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये जो अंदर वाला है वो कौन करेगा, E2 करेगा, तो समझना मेरी बात को, अंदर वाला जो किनारा है वो E2 कर रहा है, लाइन एक ही है लेकिन इसके पार्ट कितने हो गए, दो हो गए, मेन जो किनारे हैं वो तो E1 कर रहा है, बाहरी किनारे क्या कर रहा है, E1 कर रहा है, और अंदर का जो किनारा एज की तरफ बढ़ रहा है वो कौन कर रहा है, E2 कर रहा है, तो कभी भी E2 जो आएगा आपका आंसर, वो अंदर कोई चीज क्या हो रही दबरी उस समय आएगा। अब हिडन लाइन की बात करते थे, यहां पर हमारी ये क्या है, ये वृत्ताकार पार्ट के लिए हिडन लाइन दी हुई है, तो ये मेन लाइन में चली जाती है, ये E2 में नहीं जाती, लाइन दोनों एक जैसी E1 और E2, लेकिन ये किस में जाएगा आंसर, बी पर चला जाएगा आंसर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, पांचवें नंबर। समझ में आ गई बात, क्यों, जो कोई भी सर्किल होता है ना, सर्किल होता है ना, गोल सर्किल जो होता है ना, सर्किल का ये लाइन मेन लाइन मानी जाती है ना, और जब हमारा चित्र कुछ इस तरीके का हो तो हिडन लाइन तो यहां पर भी आपकी आएगी, है ना, लेकिन यहां पर जो हिडन लाइन आएगी वो E1, इसको हम E1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, E2 बोलेंगे, ठीक है, और बीच वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप जो बना रहा है वो इसको E1, इसको E1, दोनों किनारों की लाइन को E1 और बीच में जो आ रहा है ग्रुप बना रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका E2 कहलाएगा। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई होगी मेरी बात को, आप समझ चुके होंगे, लाइन एक ही है, तीनों लाइनें देखने में कैसी हैं, एक जैसी हैं, लेकिन इनके नाम जो है ना वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ E2 का एग्जांपल नहीं था जो मैं आपको नहीं बता पाया, लेकिन यहाँ E1 का, अब देखो ये जो गोल सर्किल है ना, इस सर्किल को जब भी हम रिप्रेजेंट
तो किससे करेंगे? E1 से करेंगे, ना कि E2 से करेंगे, ठीक है? इसको हम E1 से करेंगे। क्लियर हो गया आपका? अच्छा, ये तो हमारे कुछ क्वेश्चन थे। अब जो बात करने वाले हैं, थोड़ा सा हम प्रोजेक्शन की बात करने वाले हैं ना, अब प्रोजेक्शन पर आते हैं, ठीक है? प्रोजेक्शन का थोड़ा सा देख लेते हैं। आज हल्की से मैं समझाऊंगा, क्योंकि आज जब जो हम समझेंगे वो अगली क्लासों में जाकर के हमारे बहुत काम की चीज़ रहेगी ना। तो हम कोई बात करने वाले हैं, प्रोजेक्शन की बात करने वाले, ठीक है? तो अब मैं अगली नेक्स्ट स्लाइड पर चला जा रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है। अगर हम बात करें प्रक्षेप की, थोड़ा सा ध्यान दे देना हल्का सा इस पर, तो आपका आज हम प्रक्षेप को पूरी तरीके से, मतलब एक तरीके से एक मतलब डाउट जो है ना वो पूरी पूरी क्लियर करके चले जाऊंगा। प्रक्षेप देखो, प्रक्षेप क्या होता है? वस्तु को देखने का क्या होता है? नज़रिया होता है। बोले हम किस तरीके से आपका वस्तु को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हमारे को वस्तु को देखने के लिए, हमारे देखना समझना मेरी बात, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर हमने क्या कर रखा है कि वस्तु को हम किस प्रकार से देखेंगे। तो हमने कितने भागों में बांट रखा है किसी चीज़ को, मतलब इसको हमने इस तरीके से इसको क्या कर रखा है, चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है? थोड़ा सा हमने इसे कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रखा है, चार क्वाड्रेंट में, ठीक है? अब देखना जरा, समझना मेरी बात को, चार क्वाड्रेंट जरा समझना। कभी कभी कई टॉपिक है ना, दसों बार पढ़ाए हुए होते हैं और माइंड से क्या हो जाता है, सिर्फ हो जाते हैं, है ना? देखो ये हमारे पास क्या आ गया, हमने क्वाड्रेंट बना दिए। कितने क्वाड्रेंट बना दिए हमने? यहाँ पर चार क्वाड्रेंट बनाए ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, ठीक है? सेकंड हमारा ये वाला है, मैं थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूँ। थर्ड हमारा ये वाला है, ठीक है? और ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है? अब जरा समझना होता क्या है, ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये चार क्वाड्रेंट तो बन गए, ठीक है, अच्छी बात है, चार हमारे चतुर्थांश बन गए। लेकिन इन चतुर्थांश में अपन इस वाले अक्ष को देखें, किस वाले अक्ष को देखें, इस वाले अक्ष को देखें, ठीक है? इस वाले अक्ष को अगर हम देखते हैं तो ये वाला अक्ष है क्षैतिज अक्ष। कौन सा है? क्षैतिज, ठीक है? क्षैतिज अक्ष, ठीक है? हॉरिजेंटल प्लेन, एच हॉरिजेंटल प्लेन है ना। अच्छा, ये वाला जो है हमारा, ये वाला है ऊर्ध्वाधर। ये कैसा है? ऊर्ध्वाधर। ये इसके साथ क्या है? ऊर्ध्वाधर। ये वाला क्या कहलाएगा? वर्टिकल प्लेन। ये हमारा क्या कहलाएगा? वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर तल, ठीक है? अब क्षैतिज तल एक उधर भी है, तो क्षैतिज तल आपका ये इस तरफ भी आएगा, है ना? ठीक है, हॉरिजेंटल प्लेन, और ये भी क्या आएगा? वर्टिकल प्लेन। तो ये हमारे इस तरीके से चार क्वाड्रेंट हो गए। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, मेरे पास कोई वस्तु है, मान लो कोई वस्तु है। अब वो एक एग्जांपल में लेता हूँ, वो हमेशा मैं लेता आ रहा हूँ। वे क्या है, एक एग्जांपल मैंने लिए, कार है। क्या है? कार है, ठीक है? इस कार को मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए। मान लो ये कार है, ठीक है? ये कोई कार है, ध्यान समझना, मैं आपको अभी आप समझ में क्लियर आ जाएगा इसको, ठीक है? ये कोई कार है, ये कार है, ठीक है? और ये कार आपका ये बनके तैयार हो गई। अब पुराने टाइम की वाली कार है ये, ना समझ जाना जरा, है ना ये लोग, ठीक है? तो अब आपको इस कार का क्या क्या पार्ट दिखाई दे रहा है, कौन कौन सा भाग दिखाई दे रहा है और कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों बातों पर चलेंगे। देखो हमें आगे की हेडलाइट दिख रही है, ठीक है? मैं अभी टॉप एलिवेशन या फ्रंट इनकी बात नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, वर्बली समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद में एक एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है? तो जरा आप इस बात को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या होते हैं ना, समझते हैं ना, ठीक है? अब ध्यान समझना मेरी बात को, यहाँ पर आपको लाइट दिखाई दे रही है, इस तरफ वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ऊपर की छत दिखाई दे रही है, ठीक है? ये तीन पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको इस कार का या इस मतलब ऑब्जेक्ट का पीछे वाला भाग दिखाई दे रहा है? तो आप बोला था पीछे वाला भाग जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्या हमें वो साइड वाला, इधर की साइड वाला भाग दिखाई दे रहा है? ऊपर का तो हमें, अपर का तो, ऊपर वाला जो हमें वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या हमारे को भी पीछे वाला जो साइड वाला भाग है वो दिखाई दे रहा है क्या? बोला सर पीछे वाला भी भाग दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है? क्या आपको इसका नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है? तो बोला वो भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो तीन भाग है, ये तीन भाग हमें किस क्वाड्रेंट में बनाकर देखे जा सकते हैं, किस जगह बना करके देखे जा सकते हैं, ठीक है? जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही वो हमें किस क्वाड्रेंट में रख करके हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जरा समझना, पहला क्वाड्रेंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक और बात समझना, यहाँ पर एक और तल होता है, इसे बोलते अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल, ऑक्सिलरी वर्टिकल एक्सेस, ठीक है, या प्लेन, है ना, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, है ना। और ये जो हमारे जिस ये जो तल है वो एक्स और वाई पर आकर के क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं इस कार को यहाँ रख दूँ तो इसके नीचे वाले जो दोनों पहिए जो है, वो पहिए नीचे का जो भी सिस्टम आपका, इसका जो भी होगा वो सिस्टम आपका पूरा पूरा नीचे की साइड का नज़र आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसके पीछे वाली शीट की बात करूँ तो पीछे वाली जो शीट है, ड्राइवर की तरफ जो शीट है, वो आपकी शीट यहाँ से नज़र आ जाएगी, जो हमें वहाँ दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। और पीछे वाला जो पोर्शन है, देखो यहाँ गोल लाइट है, अगर मैं आपको पीछे वाला पोर्शन दिखाने की कोशिश करूँ तो हो सकता है यहाँ पर कैसी लाइट हो, चौकोर लाइट हो, और इसका उभरा हुआ भाग क्या हो, इस तरीके का। तो पीछे वाला पोर्शन है ना, तो बैक का है ना, जहाँ पर क्या लिखा होता है, स्टॉप, गाड़ी में पीछे क्या लिखा होता है, स्टॉप, तो वो पीछे वाला पोर्शन है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इस कार को अगर मैं यहाँ रखूँ, कौन से क्वाड्रेंट में रखूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में रखूँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या क्या दिखाई देगा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझते जाना। इसको जैसे मैं यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पर आपको कार का ये वाला पोर्शन नज़र आएगा, ठीक है, जो आपको दिख रहा है, दिखता हुआ भाग जो है वो आपका कहाँ पर नज़र आ जाएगा, इस जगह नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल दिखाई दे रहा था ना आपको, पीछे की साइड है। अब ये अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल यहाँ पर जो रहेगा वो आगे की साइड रहेगा, कहाँ की तरफ रहेगा, आगे की तरफ रहेगा। अब देखो जरा मेरी बात जरा समझना, मैं थोड़ा सा आपको एक किसी आपको बुक वगैरह के माध्यम से थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा इसको समझना, देखना। जैसे मान लो हमारे सामने क्या है, थोड़ा सा इसको ज़रा देख लो, ले सकते हैं ना इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है समझाने के, ध्यान समझना मेरी बात को। जैसे हमारा ये वाला जो है ना, ये वाला जो तल है वो इस तरीके से हमारा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये दो तल तो अपन को दिखाई दे रहे हैं, एक तो ऊर्ध्वाधर तल दिखाई दे रहा है, क्षैतिज तल दिखाई दे रहा है, और पीछे वाला जो तल है वो आपका, पीछे वाला पेपर ले लेते हैं ना, पीछे वाला जो तल है वो ये अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल हो गया, ठीक, पीछे वाला हो गया। तो इसमें तो आपको तीनों तल क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इस वाले पोर्शन में जाएंगे तो इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, देखो देखना जरा, इस वाले पोर्शन में हो क्या रहा है, इस वाले पोर्शन में ये वाला भाग है, और इसके आगे क्या आ गया, एक तल आ गया, आगे क्या आ गया, तल आ गया। अब वस्तु अगर इसके रखी हुई है, देखना ये पोजीशन आपके सामने यहाँ पर क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। अगर मैं कहूँ इसके अंदर कोई वस्तु रखी हुई है, नीचे अंदर की साइड कोई रखी हुई, क्या नाम है, वस्तु रखी हुई है, तो आप बोले सर मुझे क्या नहीं हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है। अगर मैं आपको इसके अंदर की साइड रख दूँ तो आप क्या बोलोगे, बोले सर हमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी माइंड में, क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जितने भी तल यहाँ बनाए हुए हैं ये किसके, ग्लास के हैं, कांच के हैं, किसके हैं, कांच के, यानी वस्तु तो आपको दिखाई देगी, तल किसके हैं, कांच के हैं। अगर ये कांच के नहीं होते तो शायद छिप जाती, लेकिन यहाँ पर ये ग्लास के हैं, कांच के, इसलिए आपको दिखाई देंगे। तो वस्तु तो अंदर रखी हुई है, वस्तु कहाँ रखी हुई है, अंदर की साइड रखी हुई, क्लियर हो रहा होगा, वस्तु कहाँ रखी हुई है, अंदर की साइड रखी हुई है। तो हमारा क्या होगा, फ्रंट व्यू में अगर हम देखें तो जो हमारी कार जिस तरीके से है वो उस तरीके से आपकी क्या हो रही है, नजर आ रही है। इसका छत वाला पोर्शन कहाँ से नजर आएगा, छत वाला पोर्शन आपको यहाँ से नजर आ जाएगा, थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। जरा मेरी बात को समझना, फिर दोबारा समझा रहा हूँ, देखो बिल्कुल समझना। इसमें क्या हो रहा है, अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल कहाँ चला जाता है, पीछे, ठीक है। ये तीन वो साइड है जो कार बनाने के बाद में भी दिखाई नहीं दे रही है, ये तीन वो साइड हैं जो हमें कार बनाने के बाद में यहाँ पर जिस एंगल में मैंने कार बनाई हुई है उस एंगल में ये तीन चीज़ें हमें दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। और ये वो तल है जिसमें जिस एंगल में अभी ये कार बनी हुई है उस एंगल के सारी व्यू को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। क्लियर होगी बात, ध्यान से समझो। यानी अगर मैं अब आपसे पूछूँ कि ये जो कार है, ये जो कार मैंने यहाँ बनाई है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाई है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्ट, ये जो कार मैंने यहाँ बनाई है, मैं आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि जो मैंने कार जो यहाँ बनाई है वो कार मैंने किस प्रोजेक्शन में बनाई है, पूरी कार जो मैंने बनाई है वो किस प्रोजेक्शन में बनाई है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाई है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाई है, जरा छोटा सा जवाब दो आप मेरे को। फर्स्ट एंगल में के इसके भाग सारे फर्स्ट एंगल वाले दिखाई दे रहे हैं कि थर्ड एंगल वाले दिखाई दे रहे हैं, क्लियर, इसका जवाब दे दो आप, तो है ना, तो आप मेरे को जल्दी बताओ थोड़ा सा, फर्स्ट एंगल वाले हैं कि थर्ड एंगल वाले हैं, जल्दी थोड़ा फास्ट, कौन सा है, बिल्कुल साहब आना शुरू हो गए आंसर, बिल्कुल सही है, 100% सही है,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो कार बनाई गई है वो बनाई गई थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बनाई गई? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग बनाई गई, ठीक है। तो थर्ड एंगल में जो चीज़ दिखाई देगी वो फर्स्ट एंगल में, जो थर्ड एंगल में जितनी चीज़ें दिखाई देंगी वो हम केवल फर्स्ट थर्ड एंगल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फर्स्ट एंगल में उसके जस्ट विपरीत चीज़ें दिखाई देंगी। उसकी जस्ट कौन सी चीज़ें दिखाई देंगी? विपरीत। जैसे कि इसका यहाँ पर थर्ड एंगल की है कि ये किसके अकॉर्डिंग है? ये थर्ड एंगल के अकॉर्डिंग है, ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग है। तो थर्ड एंगल में आगे की हेडलाइट दिखाई दे रही है, इधर का ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ऊपर की छत दिखाई दे रही है, ठीक है। तो थर्ड एंगल के तीनों पार्ट हमारे को दिखाई दे रहे। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट एंगल, तो यानी पीछे वाला भाग दिखाई नहीं दे रहा। पीछे वाला भाग कौन दिखाएगा? ऑक्सिलरी वर्टिकल एक्सिस दिखाएगा। साइड वाला भाग कौन सा दिखाएगा? वर्टिकल एक्सिस दिखाएगा। और नीचे वाला भाग कौन दिखाएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखाएगा। क्लियर होगी बात? अब सुनो मेरी बात, यहां तक की जो बात थी तो सिंपल बात थी, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई। अब एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, देखने वाला व्यक्ति। अब देखो, देखो एक तो प्रेक्षक होता है ना, जो देख रहा होता है ना, और एक हमारा होता है प्रेक्षक तल, और होती है वस्तु होती है ना। तीन चीजें होती है, प्रेक्षक, प्रेक्षक तल और क्या रहती है? वस्तु रहती है। इन तीन चीजों पर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन क्या होते हैं? काफी सारे क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। इन तीन क्वेश्चन, तीन चीजों के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले नंबर पर देखो, समझना मेरी बात को। अगर मैं यहां से किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, यहां से देख रहे हैं भाई, यहां से हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। थोड़ा यहां से देख दो, है ना। देखो ये आपकी आंख है, निकाल के रख दी हमने, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। अब आप देख कहाँ से रहे हो? यहाँ से देख रहे हो। तो वस्तु कहाँ रखी गई? यहाँ बीच में रखी हुई है। और तल कहाँ है? इसके जस्ट पीछे की साइड है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? वस्तु मैंने कहाँ रखी? यहाँ रखी, ठीक है। उसका बैक वाला पार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, पीछे वाला पार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे वाला भाग आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जब भी आप देख रहे होंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को, तो आपके क्या होगा? प्रेक्षक, प्रेक्षक जो वस्तु होगी आपकी वो, है ना, और तल। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर हमेशा वस्तु प्रेक्षक तथा तल के कहाँ रखी जाएगी? बीच में रखी जाएगी, है ना। प्रेक्षक तथा तल के बीच कहाँ रखी जाएगी? हमेशा बीच में रखी जाएगी। इतना आपके बाद क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले पॉइंट पर चलते हैं भाई। अब की बार हमें क्या करना? देखना कहाँ से? अब हमारे को कहाँ से देखना? देखना हमें यहाँ से, इस जगह से देखना है। हमें क्या करना है? इस जगह से हमारे को क्या करना है? देखना है, ठीक है। इस जगह से हमें क्या करना है? देखना है, ठीक है। इस जगह से हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो देखने के बाद में अब देखो, तीन तल आ गए सामने, क्या आ गए? तीन तल। उसके पीछे क्या रखी हुई? वस्तु। तो अगर आपसे बोला जाए, अगर आपसे सिंपल सिंपल शब्दों में पूछा जाए कि बताइए, ये बताइए कि भाई थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर, थर्ड एंगल जो प्रोजेक्शन होता है, उस प्रोजेक्शन के अंदर वस्तु कहाँ रखी जाती है? कहाँ रखी जाती है? तो वस्तु कहाँ रखी जाती? प्रेक्षक तल के, तल जो है ना, तल उसके कहाँ रखी जाती है? पीछे। उसके कहाँ रखी जाती है? हमेशा क्या आएगी? पीछे, ठीक है। अच्छा, तो इसे क्या कहेंगे हम? प्रेक्षक कहेंगे, एब्जॉर्बर, है ना, ऑब्जॉर्बर, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो क्या कर रहा है? देख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या कहेंगे? प्लेन, है ना, प्लेन कह सकते हैं, या फिर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कह सकते हैं। प्लेन ऑफ क्या कहेंगे? प्रोजेक्शन। इस वाले पार्ट को, जो हमारे तल है ना, तल, उन तल को क्या कहेंगे? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और जो हमारी वस्तु है उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। अगर मैंने अभी जो आपको बताया था ना, क्लियर हो रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा एक और बार आपको समझाते हैं। देखो ध्यान समझना, पहली बात तो ये जो तल है वो किसके हैं? ग्लास के। किसके हैं? ग्लास के। समझ गए मेरी बात? और ये दो तल, एक तो ऊर्ध्वाधर तल है ना, और एक क्षैतिज तल। ये ऊर्ध्वाधर तल हो गया, ये कौन सा हो गया? क्षैतिज तल हो गया, ठीक है। और इसके आगे एक और अतिरिक्त तल और लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या आ गई? वस्तु आ गई। इसके अंदर की साइड हमने क्या रख रखी? कोई वस्तु यहाँ पर रख रखी है, जो कार है या जो भी चीज़ है वो हमने इसके अंदर रखी हुई है। अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? इसको देख रहा है। ये किसके तल? किसके? कांच के। वस्तु कहाँ चली गई? अंदर। तो अगर कोई व्यक्ति बाहर से इस तरफ से देख रहा है, इस तरफ से देख रहा है तो कार अंदर रखी हुई, ठीक है। अब कार अंदर रखी हुई है तो सीधी सी बात है, प्रेक्षक, ऑब्जर्वर, प्लेन, जो वर्टिकल प्लेन है, जो आपका प्लेन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के कहाँ रखी हुई? पीछे की साइड रखी हुई। कहाँ रखी हुई? पीछे। यानी कि प्रेक्षक और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आ रहा है? आपका प्लेन आ रहा है। क्या आ रहा है? ये आपका तल आ रहा है, ठीक है। तो देखने वाला और वस्तु के बीच में क्या आ रहा है? तल। अगर देखने वाले वस्तु के बीच में क्या आ रहा है? तल आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? कौन सा प्रोजेक्शन है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक है। अगर हम पहले वाले की बात करें तो वस्तु
वस्तु कहाँ रखी है, प्रेक्षक तथा प्रेक्षक तल के कहाँ रखी है, बीच में रखी हुई है, तो आपका कौन सा वाला आएगा, पहला वाला आएगा। ठीक है, इसमें वस्तु बीच में रहती है और इसमें क्या रहता है, इसमें तल बीच में रहता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसमें बाद में और आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बात पूरा क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान सुनो, अब अगला पॉइंट पर चलते हैं भाई। हम यहाँ से देख रहे हैं, हम देख किस साइड से रहे हैं, इस साइड से। देखो, मैं जब भी अपने दोनों हाथ, मेरे ये दो हाथ हैं, एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड, ठीक है, अगर मैं ये दोनों हाथ अपनी शीट पर रख देता हूँ, कहाँ पर रख देता हूँ, शीट पर, ये मेरे पास कोई शीट है, शीट पर रख देता हूँ, जहाँ पर मेरा लेफ्ट हाथ रखा, जहाँ पर मेरा राइट हैंड रखा जाए वो राइट सिरा कहलाएगा, और जहाँ पर मेरा लेफ्ट सिरा रखा जाए वो लेफ्ट सिरा कहलाया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर मेरा राइट हैंड आएगा वो राइट हैंड कहलाएगा, है ना, और जहाँ पर मेरा लेफ्ट हैंड रखा जाएगा वो लेफ्ट हैंड आएगा। ठीक है, अब ध्यान समझना मेरी बात को, मैंने राइट और लेफ्ट बता दिए ना, राइट और लेफ्ट को जरा हम समझ लेते हैं भाई। हमारी आँख, अगर हम बात करें, देखने वाला व्यक्ति कहाँ पर है, राइट में खड़ा है। ठीक है, कहाँ खड़ा है, राइट में खड़ा है, देखने वाला व्यक्ति राइट में खड़ा है, लेकिन उसका जो अपना जो ऑब्जेक्ट का जो आपका प्रतिबिंब बन के नज़र आ रहा है, जो आपका सामने जो आपका प्रोजेक्शन जो नज़र आ रहा है, जो वस्तु का जो प्रतिबिंब नज़र आ रहा है, वो किस तरफ आ रहा है, लेफ्ट हैंड की साइड पर, किसकी तरफ नज़र आ रहा है, लेफ्ट हैंड। व्यक्ति कहाँ खड़ा है, व्यक्ति खड़ा है राइट हैंड की तरफ, है ना, और उसका जो आपका प्रतिबिंब जो नजर आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है। तो हम फर्स्ट एंगल में जितने भी आपके व्यू बनाए जाते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाए जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एंगल में जो भी प्रोजेक्शन बन रहा होता है वो किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा होता है। तो हमारा फर्स्ट एंगल के अंदर कभी भी बनेगा वो कौन सा व्यू बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक है ना, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा। अब ध्यान से सुनना, यहां पर मेरी बात सुनना, व्यक्ति देखने वाला यहां पर है, किस तरफ है, राइट की तरफ। ठीक है, और वस्तु कहां रखी हुई, पीछे की साइड, ये जो कार रखी हुई थी ना वो कहां रखी हुई थी, आपकी पीछे की साइड रखी हुई थी। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइए, तो लेफ्ट तो ये हो गया, राइट ही हो गया। ठीक है, और वस्तु कहां बन रही, इस वाले तल पर बन रही है। ठीक है, इस पर बन रही है, तो ये अगर मैं इसको दो भागों में बांट दूं तो इस तरफ तो क्या आ गया, मेरा लेफ्ट आ गया, और इस तरफ क्या आ रहा, मेरा राइट। तो वस्तु कहाँ बन रही है, किस तरफ बन रही है, उसमें तो लेफ्ट पे बन रही थी, इसमें कहाँ बन रही है, कौन से वाले सिरे पे बन रही है, इसमें इन वाले सिरों पे बन रही है, यानी इधर की तरफ बन रही है ना। लेफ्ट तो कहाँ चला गया, मेरा पीछे की साइड चला गया, पीछे अनंत तक चला गया, लेकिन राइट इसके इधर की तरफ क्या आ रहा, राइट, यानी वस्तु जो मुझे दिखाई दे रही है इसके इधर की तरफ दिखाई दे, तो ये कौन सा वाला व्यू हो गया, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड व्यू। ठीक है, तो हमारा ये हो गया राइट हैंड साइड व्यू। तो हमारा राइट हैंड साइड व्यू कब आएगा, जब हम कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। हमारा सारी चीजें कहाँ बनेंगी, अनंत में लेफ्ट पर। ठीक है, हमारे यहाँ सारी चीजें क्या बनेंगी, इस तरफ राइट साइड पर, अनंत में क्या रखा हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, कितनी भी दूराई पर रखा हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, समझ में आ गई बात। और ये तीनों जो तल हैं वो किसके बने हुए, ग्लास के बने हुए। जब तक आप ये नहीं माइंड में रखें ये ग्लास के बने हुए, तब तक आपको दिमाग में नहीं बैठ पाएगा। आप यहाँ एक ही बात बोलते रहोगे, साहब वस्तु क्या हो, ढकी नहीं है, आपके यहाँ पर क्या है, आपके सामने है, लेकिन वो क्या है, पीछे की साइड रखी हुई है। तो जब भी प्रेक्षक तथा वस्तु के बीच में क्या आ जाता है, तल आ जाता है, तो थर्ड एंगल क्वाड्रेंट होता है, तथा जब प्रेक्षक और प्रेक्षक तल के बीच में क्या रहती है, वस्तु, तो हमारा कौन सा रहता है, फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट रहता है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात, बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, तो बताने में तो बहुत सारा है। आज के लिए धन्यवाद करता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा थायर टाइप का, मतलब थका हुआ हूँ थोड़ा सा, आज के लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, है ना, और इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे, इसको मैं एक और बार टैली करूँगा, एक और बार समझाऊँगा, क्योंकि मैं देखो मैं ऑनलाइन तो ले ही रहा हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो बच्चों से रूबरू रहता हूँ, तो सीधी सी बात है, वो एक से दो बार अगर हम जब चीज़ों को क्या करते हैं, समझते हैं, उसके बाद में हमारा पूरा बैठ जाता है। ठीक है, आज मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो गई, क्लियर हो गई, लेकिन अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हमारा 100% क्या हो जाएगा, हमारा समझ में आ जाएगा ना। वैसे समझ में तो आज भी 100% ही आ चुका हो ना, तो अगली क्लास में और देखते हैं अपन, इसमें और नई चीज़ें देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।